बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंग्लिश में फोनिक साउंड ऑफ आई, ये दिख रहा है ना तुम लोगों को आई, जो शब्द हम लोग पढ़ेंगे उस शब्द के वर्ड के बीच में आई आएगा, ठीक है ना। जो वर्ड हम लोग पढ़ेंगे रीडिंग करेंगे उस वर्ड के बीच में, ठीक है ना, आई आएगा, ठीक है ना, ठीक है। देखो हम लोग आई साउंड आज पढ़ेंगे, देखो लिखा हुआ है यहां क्या लिखा हुआ है, देखो टी आई एन टीन स्मॉल में भी है और कैपिटल में भी है, ठीक है ना, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, हम दोनों पढ़ेंगे, इसलिए तुम क्या करेगा, शांति से दम बैठे रहना, जो हम बोलेंगे उसको ध्यान से तुम सुनना, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। टी आई एन टीन, टी आई एन टीन, टी आई एन टीन, बी आई एन बीन, बी आई एन बीन, बी आई एन बीन, बी आई एन बीन, पी आई एन पीन, पी आई एन पीन, पी आई एन पीन, पी आई एन पीन, एल आई पी लिप, एल आई पी लिप, एस आई पी सिप, एस आई पी सिप, जी आई पी जिप, जी आई पी जिप, जी आई पी जिप, ठीक है। देखो एच आई डबल एल हिल, एच आई डबल एल हिल, एच आई डबल एल हिल, एम आई डबल एल मिल, एम आई डबल एल मिल, बी आई डबल एल बिल, 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 ठीक है ना। देखो एक बार अब जो है इसको बोलते हैं, देखो लर्निंग स्किल्स, अब जो पढ़ेंगे ठीक है ना, उसमें जो है तुम्हारा देखो यहां है ना, यहां लिखा हुआ है लर्निंग स्किल्स, ठीक है ना, अब हम लोग लर्न फिर से करेंगे, ठीक है। देखो यहां क्या है, आई एन इन लिखा हुआ ना, इससे जो है हम लोग शब्द बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं जो बनेगा, देखो आई एन इन, देखो उसके आगे हम लोग क्या लगाए बी, तो क्या बनेगा, बी आई एन बीन, बी आई एन बीन, ची सी एच आई एन चीन, सी एच आई एन चीन, एस पी आई एन स्पिन, एस पी आई एन स्पिन, एस के आई एन स्किन, एस के आई एन स्किन, टी आई एन टीन, टी आई एन टीन, टी एच आई एन थीन, टी एच आई एन थीन, देखो आई पी एम है, देखो सी एल आई पी क्लिप, सी एल आई पी क्लिप, डी आर आई पी ड्रिप, डी आर आई पी ड्रिप, एल आई पी लिप, एल आई पी लिप, एस एच आई पी सिप, एस एच आई पी सिप, एस के आई पी स्किप, एस के आई पी स्किप, टी आई पी टिप, टी आई पी टिप, आई टी, ठीक है, आई टी इट,
तो HIT हिट KNIT नीट। देखो इसमें के जो है साइलेंट रहता है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। KNIT नीट LIT लीट LIT लीट PIT पीट PIT पीट SIT सीट SIT सीट SKIT स्किट SKIT स्किट ILL FILL FILL DRILL DRILL GILL GILL HILL HILL KILL KILL MILL MILL ठीक है, रीडिंग की। अब देखो, अब हम एक बार फिर से बोल पाते हैं। बीन, चीन, स्पीन, स्कीन, टीन, थीन, क्लिप, ड्रिप, लीप, शिप, स्कीप, टिप, हीट, नीट, लीट, पीट, सीट, स्कीट, फिल, ड्रिल, गिल, हिल, किल, मिल। देखो अब जो है हम जब बोलेंगे, तुम मेरे साथ अब इस वर्ड को दोहराना, ठीक है ना, अब मेरे साथ बोलना, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है। अब जब हम बोलेंगे उसके साथ, तुम हम मेरे साथ बोलना। देखो आई एन इन, बी आई एन बीन, बी आई एन बीन, CHIN चीन, CHIN चीन, SPIN स्पीन, SPIN स्पीन, SKIN स्कीन, SKIN स्कीन, TIN टीन, TIN टीन, THIN थीन, THIN थीन, CLIP क्लिप, CLIP क्लिप, DRIP ड्रिप, DRIP ड्रिप, LIP लीप, LIP लीप, SHIP सिप, SHIP सिप, SKIP स्किप, SKIP स्किप, TIP टिप, TIP टिप, HIT हिट, HIT हिट, KNIT नीट, KNIT नीट, LIT लीट, LIT लीट, PIT पीट, PIT पीट, SIT सीट, SIT सीट, SKIT स्किट, SKIT स्किट, FIL फील, FILL फील, FILL फील, DRILL ड्रिल, DRILL ड्रिल, GILL गिल, GILL गिल, HILL हिल, HILL हिल, KILL गिल, KILL गिल, MILL मिल, MILL मिल, ठीक है बच्चे, समझ गए। हमने जैसे पढ़ा उसी तरह तो पढ़ना घर में, ठीक है ना, एक एक वर्ड को मिलाना, एक एक शब्द को यहाँ मिलाना, वर्ड जो से है बी आई एन बीन, इस तरह मिलाकर तुमको रीडिंग करना है घर में, ठीक है।
समझ गए, और इसी में से हम तुमको होमवर्क दिए हैं, उसको साफ साफ सुंदर सुंदर ठीक है राइटिंग बनाकर सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है ना, एक पेज। देखो है ना, जिसे लिखा हुआ BIN बीन, ठीक है ना, तो उसको पूरा लिखना BIN बीन, BIN बीन बोल के लिखना है, सब आइस लाइन में लिखना है। इसके बाद दूसरा क्या शब्द है नेक्स्ट, PIN पिन, CHIN चीन, TIN टीन, THIN थीम, ठीक है ना, ये होमवर्क है, इसको घर में एक पेज लिखना है तुमको, ठीक है। इसके साथ भी तुमको होमवर्क दिया गया है हिंदी का, ठीक है, इसको हिंदी को भी कर लेना है, समझ गए। देखो इसमें कहा क्या दिया है, बोला है ये कौन सी है, बोलो कौन सा शब्द है, ये कौन सा अक्षर है, छोटी, ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखें। इस जो शब्द तुमको दिया गया है इसमें कौन सी मात्रा लगाना है, छोटी की, या छोटी की मात्रा किधर से होती है, इधर से होती है, ठीक है, छोटी की मात्रा इधर से पढ़ा है ना, ठीक है, उसको समझ के करना है। जैसे देखो यहाँ लिखा है सकार, सकार, तो इसमें छोटी की मात्रा अगर लगाते हैं तो क्या हो गया, स में छोटी की मात्रा सी, कम या की मात्रा का, अर क्या हो गया, शिकार, क्या हो गया, शिकार। बस इसी तरह तुमको यहाँ लिख लेना है, मात्रा लगाना है, यहाँ लिखना है, ठीक है ना, उसी तरह यहाँ लिखना है, इसमें छोटी की मात्रा लगाना है, क उवा में छोटी की मात्रा कवि हो गया। फिर तीसरे शब्द में हम लाते हैं नेक्स्ट में, ठीक है ना, उसमें क्या करना है, छोटी की मात्रा टी, क ट, टिकट, ठीक है। उसके बाद इसमें फोर में आता है त, क में छोटी की मात्रा की या, त किया। उसी इसमें देखो क्या है, क में छोटी की मात्रा की, ल में आ की मात्रा ला, किला। देखो यहाँ देखो प में छोटी की मात्रा पी, क न में छोटी की मात्रा नी, क पिकनिक। तो इस तरह तुमको शब्द में इसमें ठीक है छोटी की मात्रा लगाना है, और लगा कर तुम शब्द को बनाना है, और शब्द को बनाएगा और उसको पढ़ेगा। ये नहीं कि हम इसमें छोटी की मात्रा लगा लिए और बोले नहीं, पढ़े नहीं, इसलिए इसको पढ़ना भी होगा, ठीक है ना, रीडिंग करके मात्रा लगा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ तुमको हम मैथ में भी होमवर्क मिला है तुमको, ठीक है, इसको भी साफ साफ करना है, ठीक है। देखो दिया गया ना, यहाँ एडिशन है तुम्हारा, देखो यहाँ क्या है, 5353 प्लस 2222, ठीक है ना, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, इसी तरह बोलना है और तब उसको ऐड करना है। जैसे राइट साइड का नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, 3 और 2 को ऐड करेंगे, फिर 5 और 7 को ऐड करेंगे लेफ्ट साइड का, और लिख कर यहाँ लिखेंगे और उसको फिर पढ़ेंगे कि ऐड करने के बाद हमको कितना आता है, कितना नंबर हमारा आया, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन जो तुमको हम दिए हैं, कितना दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना दिए हैं, 15 दिए हैं, ठीक है ना, 15 है, और ये 15 क्वेश्चन तुमको घर से कर लेना है, ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक है, ओके, समझ गए बच्चे, ओके।